हेलो जी, कैसे हो? अरे तुम्हीं से बात कर रहा हूँ। हाँ तुम्हीं से। लाइक किया? नहीं किया ना, कर दो यार, कर दो कर दो। अरे थैंक यू यार। तुम में से बहुत लोग ना स्ट्रीम पे मेरे क्यू एन ए। ठीक है भाई, जान रहा हूँ क्यू एन ए बनाना जरूरी है, मैंने बनाऊंगा, बोला था ना, थोड़ा टाइम तो दो। लो क्यू एन ए बना दी ना। और यार मैंने ना जो फिल्टर लगा रखा है मजाक कर के, क्या बना दिया, गोरा कर दी सा, मजा आ गया। खैर ये सब छोड़ो यार, मैं बोल रहा था कि तुम लोगों ने अच्छे क्वेश्चंस तो पूछे हैं ना, क्योंकि भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए, एंड आई होप तुम लोग मेरे को डिसअपॉइंट नहीं करना यार। ठीक है, चलो चलते सीधा क्यू एन ए वीडियो की तरफ। और अगर कोई नया तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, 10K नेक्स्ट सब्सक्राइबर गोल। चलो चलते सीधा क्यू एन ए वीडियो की तरफ, लेट्स गो। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपने हमजा की तरफ से, देखते वो क्या पूछना चाहता है। हमजा पूछता है कि क्या पूछूं, बात करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने नॉन चैन की तरफ से, और उसने पूछा कि भैया आप पांडा भैया क्यों हो? अब मैं पांडा भैया क्यों हूं तुम ही लोग बताओ, क्या मैं मोटा दिखता हूं? हाँ देखे, इधर से हल्का दिख रहा हूं, बट उतना भी मोटा नहीं हूं कि पांडा भैया बोलो। और क्या मैं क्यूट दिखता हूं? ना, क्यूटनेस का तो सवाल ही ना है। तो क्या मैं बांस वगैरह खाता हूं? क्या नहीं, तो फिर पांडा कैसे हुआ? तुम बताओ नॉन चैन, तुम ही से पूछो नॉन चैन, मैं पांडा कैसे हुआ कमेंट में बताना। ठीक है, इसका आंसर तो मेरे पास नहीं है, बाकी तुम लोग बोलते हो तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ठीक है, ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं है, बस यही है आंसर इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दक्ष भाई का, और दक्ष भाई पूछ रहे हैं 2OG यूट्यूबर सकलिन गेमिंग, नेम बताइए। नेम है मेरा मोहम्मद सकलिन रजा, और घर में सब अमन बोलते हैं। एज है मेरा 23, YT इनकम 0। फेवरेट पोकेमॉन पोकेमॉन यूनाइट, ज़ोरो आर्क ऑब्वियसली। फेवरेट एनिमे भाई ड्रैगन बॉल ज़ी, मस्त। जेंडर नहीं दिख रहा है, बोलने की जरूरत थोड़ी है यार। GF नेम यार वो तो नहीं है, बट बनाना चाहूँगा तो सक्सेस यस। बाकी फेवरेट गेम BGMI फॉर श्योर, प्लेस वेरी लिव। भाई मैं तो रहता हूँ झारखंड धनबाद में, इतनी बार तो बताया दोस्त। फिर उनका अपने सवाल है, 10th क्लास परसेंटेज ये मत पूछो, समझो बस पास हो गया था। 12th क्लास परसेंटेज यस 80% आया था दोस्त, 80%। फैमिली सपोर्ट बिल्कुल है। YT चैनल की, अरे भाई मैं ना इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस लाने के लिए YT चैनल स्टार्ट किया, और ऐसा हो गया, मेरे को पता भी नहीं था। कोई ऐसा फ्रेंड जिसको आप अपना मानते थे पर धोखा? नहीं, ऐसा कोई नहीं फिलहाल, बाकी इन फ्यूचर नहीं पता, क्या पता वो तुम ही हो। ओके, अगला क्वेश्चन है हर्ष भाई का, और वो पूछ रहे हैं सबसे बड़ा सवाल है मेरा, आप हर कम्युनिटी पोस्ट में अपने ही आप को क्यों टैग करते हो? यार मैं अपने आप को इसलिए टैग करता हूँ, मुझे लगता है मैं अपने आप को अगर टैग करूँगा ना तो मेरे सब्सक्राइबर्स तक पहुँचेगा वो पोस्ट, बस यही कारण है। और कोई मतलब ऐसा कोई खतरनाक कारण तो नहीं है, बस यही है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल है वैनिस भाई का कि सबसे बड़ा सवाल, शादी कब कर रहे हो? देखो बताता हूँ, काउंट करना दो, मेरा बर्थडे आता है 7 जुलाई को, ठीक है, और 7 जुलाई में होते हैं टोटल पता नहीं कितने दिन, तो इसका मतलब है मैं करूँगा 32 जुलाई। यस 32 जुलाई का मेरे को बता देना, मैं कर लूँगा। ठीक है वैनिस भाई, ओके चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नजरुल का, योर GF नेम। अरे तुम लोग बस इसी के पीछे क्यों पढ़ते हो भाई, हर क्यू एन ए में देखता हूँ ना हर कोई यही पूछता है, जरूरी थोड़ी हर किसी का हो। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, अगर मैं बोलूँगा तो सक्सेस नाम है ठीक है उसका। चलो वेयर आर यू फ्रॉम? मैं हूँ झारखंड धनबाद से सर, यूट्यूब इनका मैंने बता दिया है भाई। फ्यूचर का क्या प्लान है? फ्यूचर का प्लान रुको बताता हूँ, देख लो यही है फ्यूचर का प्लान, दिख रहा है बस यही है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लेयर अकाजा का, आप कितनी बीवी? कैसे कैसे सवाल पूछता हो भाई, तू पागल है क्या थोड़ा सा यार, ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हो तुम लोग। कितनी ही करूँगा तुम बताओ, कितनी ही करूँगा, तुम्हें कितना लगता है? अपना आंसर दे देना कमेंट में, ठीक है, इसका आंसर मैंने दे रहा, तुम दे दो कमेंट में। चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है अपने राइजर के भाई की तरफ से, और राइजर भाई पूछ रहे हैं कब दूसरे गेम्स खेलोगे स्ट्रीम पे, जैसे शैडो फाइट 2 एक्सेट्रा, एंड क्या प्लान है, कितने मंथ्स रहने वाले हो YT पे? भाई देखो मुझे ना अभी तक नहीं पता राजा भाई कितने रहने वाला हूँ, बट फॉर श्योर ज़्यादा नहीं, टाइम नहीं है, बट हाँ शैडो फाइट 2 का बात रहा तो मैं ज़रूर से खेलूँगा एक बार तुम्हारे लिए, बिल्कुल फॉर श्योर। अगला क्वेश्चन है अपने कैरी भाई का, कैरी भाई पूछ रहे सकलिन का मतलब क्या है वैसे तुम्हारे रिलीजन में? भाई देखो एक होता ना SAQ करके सकलिन का स्पेलिंग, और मेरा है SAK करके, तो मेरा नाम का मतलब कुछ नहीं, बट SAQ वाले का नाम का मतलब है 2 वर्ल्ड्स, मतलब कि 2 दुनिया, दिस वर्ल्ड एंड हियर आफ्टर, समझ गया ना, बस यही है। ओके, अब अगला क्वेश्चन है औरा भाई की तरफ से, यार औरा के आगे ना एक टी लगा देते तो औरत बन जाते हो जाग सेट के, जान रहा हूँ फालतू जोक, सॉरी। ओके, तो भाई का सवाल है आपके GF, फिर यही सवाल, नहीं है भाई बता तो दिया नहीं है, आपकी एज मेरी बता दिया था ऑलरेडी 23। आप माइनक्राफ्ट की लाइव स्ट्रीम करोगे? करूँगा, देखो माइनक्राफ्ट फॉर श्योर मैं ना खेलूँगा इन फ्यूचर पक्का,
जब आ जाएगा लैपटॉप तब, ठीक है? अभी तब तो अभी मतलब कोई उपाय तो नहीं है, मोबाइल से तो नहीं खेलने वाला। और अगला क्वेश्चन है स्वाति का, आपका नाम का मतलब क्या है? स्वाति, मैंने इसका आंसर ऑलरेडी दे दिया है बट फिर से दे देता हूँ। एस ए क्यू करके जो स्पेलिंग है ना सकलेन का, उसका मतलब है टू वर्ल्ड्स, मतलब दो दुनिया। बट मेरे जो स्पेलिंग है ना एस ए के, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है? मतलब मेरे नाम का मतलब कुछ नहीं है, ठीक है? तो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबिन की तरफ से। क्वेश्चन नंबर वन, आप कौन सी जॉब कर रहेंगे आगे? तो मैं यार सच बताऊं तो मुझे ना जॉब से नफरत है, ठीक है? बट फॉर श्योर मेरे को करना पड़ेगा, और करूंगा तो जो मिलेगा अच्छा सा वो कर लूँगा, और तो वैसे कोई बात नहीं है। बाकी क्वेश्चन नंबर टू है भाई का, आप किन से इंस्पायर्ड होकर स्ट्रीम करना शुरू किया? मैं सच बताऊं तो किसी से नहीं, जस्ट एक बार करा मैंने, मतलब एक्सपीरियंस लेने के लिए कैसा लगता है स्ट्रीम पे, तो किया था, अच्छा लगा, एंगेजमेंट मिला, मतलब बढ़िया लग रहा था, तो मैंने वहीं से स्टार्ट करना शुरू किया, और कुछ नहीं है। बाकी लास्ट क्वेश्चन है भाई का, आपके परिवार में कितने लोग हैं? तो भाई मेरे परिवार में टोटल हैं 8 लोग, जिसमें से 4 बहन, 2 भाई और 1 मम्मी पापा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब अपने कुश भाई का, व्हाट्स योर फेवरेट क्वालिटी अबाउट योर सेल्फ, लिस्ट फेवरेट। भाई देखो मेरा कुछ नहीं है यार, तुम लोग बताना इसका आंसर, मुझे समझ नहीं आ रहा। व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग यू वुड बाय? मैं सबसे पहला बाय करूँगा यार खुशी, परिवार के लिए खुशी, ठीक है? खुशी माने हैप्पीनेस, स्माइल, गलत मत समझो। व्हाट्स अ मूवी यू कुड वॉच एवरी डे? एवरी डे तो नहीं देख सकता, पर एक मूवी है जो मैं देख सकता हूँ, वो है फाइनल जो हुआ था, क्या नाम था, एवेंजर इन्फिनिटी वॉर, नहीं नहीं क्या नाम था, एंड गेम, एंड गेम। हु इज़ योर मोस्ट एम्बैरेसिंग सरप्राइज क्रश? बता दो क्या, अलेक्जेंड्रा, क्या नाम है उसका, मैं नाम भी नहीं पता, बट अलेक्जेंड्रा करके कुछ है, अलेक्जेंडर डडारियो, हाँ ये नाम था, आई थिंक सो, बस यही है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पोक किंग की तरफ से। क्वेश्चन नंबर वन है भाई का, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कौन सा है? मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड भाई कॉमर्स, कॉमर्स से पढ़ा हूँ। सेकेंड है भाई का, आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, फुल टाइम यूट्यूब या फिर कोई जॉब या बिजनेस? फुल टाइम यूट्यूब अगर अच्छा रहा तो, नहीं रहा तो फिर कोई जॉब या बिजनेस ही करूँगा, ऑब्वियस सी बात है यार, क्या कर सकते हैं। डू रिप्लाई दिस टू, कर दिया भाई रिप्लाई, कर दिया, तुम लाइक कर देना बस, ठीक है? और आज का Q&A का लास्ट क्वेश्चन है अंबिका की तरफ से, सकलेन का मतलब क्या है? भाई ये बता दिया ऑलरेडी। दूसरा क्वेश्चन, हु इज़ योर इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन सच बताऊँ तो पापा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं यार, बट मैं उतना नहीं कर पाता, इस चीज़ के लिए रिग्रेट भी है। बाकी तीसरा है फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस। फेवरेट एक्टर यार मोदी जी, बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं। सफेद कपड़ा। बाकी एक्ट्रेस तो सीतारमन जी, वो भी बहुत अच्छा एक्टिंग करती हैं। फेवरेट फूड यार चाउमीन है यार, लेकिन अब तो मना हो गया ना। फेवरेट मूवी बता दिया था, इंडी गेम। फिर पोकेमॉन यूनाइट ही क्यों चूज़ किया कंटेंट के लिए? यार देखो पोकेमॉन यूनाइट ना उस वक्त अचानक से, मतलब क्या बोलते हैं, ऊपर चल जाने लगा था, अच्छा चलने लगा, तो दरअसल मैंने खेला और खेला तो मुझे पसंद भी आया, बस इसीलिए। इनकम यार बता दिया ऑलरेडी, कितना सवाल। फ्यूचर प्लान फॉर चैनल, फ्यूचर प्लान यही है कि PC गेम सब डालूंगा। अरे चुप, इसका आंसर नहीं दूंगा मैं। और कौन से गेम्स खेलने का प्लान है? बहुत सारे। फेवरेट एनिमे DBZ, फेवरेट पोकेमॉन इन यूनाइट, एन एनिमे भाई चाइजार्ड। तो फाइनली मैंने Q&A बना दिया है, और यार अच्छा लगा तुम लोगों के सवालों के जवाब देते हुए। बाकी कुछ लोगों ने बहुत ही खतरनाक सवाल पूछे थे, जिसके मैंने आंसर ट्राई तो करे देने के, आई होप मैंने दे दिए होंगे। बाकी चलो लाइक कर देना बस, जाते जाते है ना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और आप लोगों से एक सवाल है कि हम लोग 10K पहुँचेंगे, इसका मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है? चलो और कुछ नहीं, बाय बाय, टेक केयर।